हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की तरफ से रिलीज की गई बेस्ट हॉरर फिल्म जो कि इस साल और इसी हफ्ते हुई थी, जिस फिल्म का नाम था गोस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस फिल्म को इस साल की बेस्ट फिल्म क्यों कहा, जबकि मैंने रिव्यू में इस फिल्म को सबसे घटिया फिल्म कहा है। तो चलिए उसी पर कुछ बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा कि गोस इस साल की सेकंड वर्स्ट हॉरर फिल्म है, जिसे क्यों और किस लिए बनाया गया वो बात तो खुद फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ही पता होगी कि इतनी घटिया फिल्म की स्टोरी उन लोगों ने एक्चुअल में लाई कहां से, क्योंकि ये फिल्म एक किसी टॉर्चर से कम नहीं। और एक्चुअल में हमें इस फिल्म में देखने जैसा कुछ भी इंटरेस्टिंग मिला नहीं। बट अगर आप IMDB पर जाओ तो इस फिल्म की रेटिंग वहां पर 9.3 की दिखाती है। जी हां, जिस वजह से काफी लोग कंफ्यूज्ड है कि ये क्या चल रहा है, जिसके बाद काफी लोगों ने मुझे DM कर यही पूछा कि जब आप इस फिल्म को इतना बुरा बोल रहे हो तो इस फिल्म की रेटिंग IMDB पर इतनी ज्यादा क्यों है। वेल, तो उसका सिंपल और साफ रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस फिल्म के बारे में ज्यादातर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, जिसके चलते आप IMDB पर जाकर इस फिल्म की लोगों की रेटिंग देने की संख्या देखोगे तो वो संख्या होगी लगभग 1200 के आसपास की, जिनमें से डेफिनेटली आधे से ज्यादा लोग फिल्म प्रोडक्शन टीम के ही होंगे जिन्होंने इस फिल्म को इतनी अच्छी रेटिंग दिलवा दी है। जिससे हमें एक बात तो साफ साफ पता चल जाती है कि IMDB पर घटिया फिल्मों को किस तरीके से अच्छे स्कोर दिलवाए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने फिल्म नहीं भी देखी है और अगर आपको फिल्म के बारे में अच्छा लिखकर अपनी राय रखनी है तो आप वैसा कर सकते हो। बट रोटेन टोमेटो पर उस चीजों को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। और अब अगर आप जब तक फिल्म नहीं देखोगे और अपनी लॉगिन आईडी से आप फिल्म की एक टिकट अपलोड नहीं करोगे, तब तक आप अपने रिव्यू नहीं लिख सकते उस वेबसाइट में। जिस हिसाब से हमें एक बात तो साफ साफ पता चल जाती है कि इसी तरीके की इम्प्रूवमेंट IMDB वालों को भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो बेकार और घटिया फिल्में IMDB पर अच्छी खासी रेटिंग ले जाएगी। और ऐसा ही एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले अल्ट जी के सबसे घटिया शो बेकाबू को भी लेकर बताया था। आप जाकर उस शो को एक बार देख लीजिएगा, उस घटिया शो को, और उसकी रेटिंग IMDB पर आकर चेक कर लीजिएगा। दोनों ही चीजें बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। अगर दूसरी हेट की बात की जाए तो रेस 3 और स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फिल्म का हाल आपको पता होगा IMDB पर, कि लोगों ने सिर्फ हेट के ही चलते इन दोनों फिल्मों की रेटिंग कितनी ज्यादा कम कर दी थी IMDB पर, जबकि ये दोनों फिल्में इन दोनों के मुकाबले में हजार नहीं बल्कि लाख गुना अच्छी है। बल तो मुझे लगता है आपको इससे ये बात समझ आ गई होगी कि IMDB के रेटिंग के सिस्टम किस तरीके के चलते हैं और हमें किस वेबसाइट्स पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं आपको जाते जाते एक सिंपल सी राय दूंगा कि आप ज्यादा भरोसा इन वेबसाइट्स पर बिल्कुल भी ना रखें, बल्कि खुद पर रखें। कि अगर आपने एक बार ट्रेलर देखकर अपना मूड बना लिया है उस फिल्म को देखने का, तो आप डेफिनेटली जाकर एक बार उस फिल्म को थिएटर में देखें और उसके बाद आकर अपनी राय रखें कि फिल्में किस तरीके से बनाई जाती है और ट्रेलर कितना ज्यादा डिफरेंट होता है और फिल्म कितनी ज्यादा, तब जाकर आप इनमें से अंतर निकाल पाओगे, वरना हमेशा से कंफ्यूज ही रहोगे। क्योंकि यूट्यूब पर अब आपको काफी सारे फेक रिव्यूअर्स भी देखने मिलेंगे जिनके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। खैर, तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।